आज पटना उच्च न्यायालय में नियोजित शिक्षकों के और जो सरकार सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर रही है उनको सरकारी शिक्षक बनाने के लिए, उस सिलसिले में एक फैसला आया है और उस फैसले ने सरकार के सभी फैसलों को सही बताया है और आश्चर्य की बात है कि मीडिया के कुछ सेक्शन में या कुछ मतलब अपने एजेंडा पे चलने वाले लोगों के द्वारा इस खबर को या इस फैसले को भ्रामक तरीके से कुप्रचारित किया जा रहा है। अब उसमें कहा जा रहा है कि जो उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने से बचाया, कहा कि इनको हटाया नहीं जा सकता, सच्चाई ये है कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को कभी हटाने का फैसला ही नहीं किया था। मैं भी उस विभाग में था जिस समय वह नियमावली बनी थी, जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक सेवा नियमावली 2023 है, वो उसी वक्त बनी थी और उसमें ये स्पष्ट है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे या उस परीक्षे में फेल कर जाएंगे वो नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। मतलब स्पष्ट है कि वो सेवा से नहीं हट रहे थे, केवल फर्क ये था कि अगर परीक्षा नहीं देंगे या दे के फेल कर जाएंगे तब वो सरकारी शिक्षक नहीं बनेंगे, वो नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। सरकार का यही फैसला था और कोर्ट ने इसमें कोई तब्दीली नहीं की है, बल्कि हमारे शिक्षक लोग तो उच्च न्यायालय गए थे सक्षमता परीक्षा के औचित्य को चुनौती देने के लिए, जो ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि नहीं परीक्षा होगी, लेकिन अगर परीक्षा में फेल करते हैं या नहीं अपीयर होते हैं तो उनको हटाया नहीं जाएगा, तो हटाने का तो कभी फैसला ही नहीं हुआ था। तो ये इस तरीके से मीडिया में प्रचारित करना, ये खामखा अकारण सरकार को बदनाम करने की साजिश है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी मामले में सरकार ने ही उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया है कि हम किसी शिक्षक को सेवा से हटाने नहीं जा रहे हैं। तो सरकार तो आगे आगे कह रही है, तो कोर्ट ने क्या रोका? कोर्ट ने रोका क्या जो मीडिया में चल रहा है? हाँ, कोर्ट ने ये जरूर कहा कि हम परीक्षा के आयोजन या परीक्षा के औचित्य पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो सक्षमता परीक्षा ले रही है सरकार, तो उसके अधिकार की चीज है। इसलिए ये भ्रामक तरीके से जो एक सही फैसला आया है उसको कुछ लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट करके विश्लेषण करके बिल्कुल उसको गलत दिशा में मोड़ दे रहे हैं। इसलिए ये सब बातें लोगों के संज्ञान में सही रूप में जानी चाहिए।